तो है एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज वही निकलने के बाद आज दूसरे ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ यहीं से। और देखिए दूसरे ब्लॉग का शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, मानसरोवर से, जो गोरखपुर में ही है। गोरखनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और देखिए पीछे मंदिर भी दिख रहा है कृष्ण भगवान का, और दिखाते हैं आप लोग से और कुछ होता है उसमें, दिखाते हैं जहाँ जहाँ क्या क्या है वहाँ पे, तो बने रहिए वीडियो में। और ये राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी और नीचे बजरंग बली हैं, इनका मूर्ति ये पूरा ही है, टेंपल है। यहाँ पे देखिए राम जानकी मंदिर भी लिखा हुआ है। और ये 21 फरवरी 2020 को वो पूरा बन के तैयार हुआ था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक ये राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है यहाँ पे पूरा, ये राधा कृष्ण जी का पूरा टेंपल है, ये भी 21 फरवरी 2020 को ही बन के तैयार हुआ था। और इसका उद्घाटन हमारे यूपी के CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और ये भी एक टेंपल है, ये पूरा परिसर का लुक दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं आप। देखिए कितना ये मानसरोवर, मतलब सरोवर, ये नाम इसी जो सरोवर है बीच में, ये जो तालाब है उसी के नाम पे पड़ा हुआ है, इसका नाम मानसरोवर। देखिए क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, दिखाते हैं। ये मेन गेट है और एक पीछे भी गेट है इसका, मानसरोवर का पूरा। यहाँ पे जप मंडल लिखा हुआ है, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप, कोई जब वो करना है जो, मतलब जो पंडित जी लोग हैं वहाँ अंदर बैठते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। दोपहर में आते हैं तो, अभी दोपहर का टाइम है तो भीड़ कम है, नहीं तो शाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पॉट है घूमने का एक तरह से, यहाँ पे पूरा अच्छा सा दिखाइए। गोरखनाथ निकलने के बाद सीधे हम लोग यहाँ मानसरोवर आ गए थे। मानसरोवर आके मैंने सोचा आज वीकेंड है तो सैटरडे को ही आप लोग को सारा दिखा देते हैं, कि मतलब एक दो वीडियो और बना लेते हैं ताकि आता रहेगा वीडियो डे बाय डे, वन एक दिन गैप कर करके वीडियो आता रहेगा। तो अभी चलते हैं, कुछ और होता है यहाँ पे, जो जो है स्थल है और टूरिस्ट प्लेस दिखाते रहते हैं आप लोग को, बने रहिए। मेरे पीछे ही आप लोग को दिखा होगा सरोवर में, जो अभी टाइम लैप्स में दिखाई होगा आप लोगों ने। और देखिए करते हैं, दिखाते रहते हैं आप लोग को और भी नज़ारे, बने रहिए वीडियो में। जो कृष्ण जी और राम जी के बगल में ही एक और मंदिर है, ये किसका मंदिर है, ये दुर्गा माता का मंदिर है। देखिए अंदर से दिखाते हैं आप लोग को, ये दुर्गा माता का मंदिर टेंपल है पूरा। ये नए तरीके सब 21 फरवरी 2020 को ही बन के अच्छे तरह से गया हुआ, पहले जब CM नहीं थे ये तो बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ था, सब गंदा हुआ था, जब से CM बने तब से मस्त हो गया पूरा। देखिए व्यू मस्त, सब व्यू हो गया यहाँ पे, अच्छा लग रहा है अब देखने में आप लोग को। और दिखाते रहते हैं, ये नंदी जी हैं यहाँ पे, और पूरा ये व्यू देखिए, ये शिव मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे, शिवलिंग रखा हुआ है यहाँ पे। शाम के टाइम में इसको भी आ जाता है, ये शांति प्रिय स्थल है, मतलब यहाँ पे आप आके अपना कुछ भी कर सकते हैं। ये हवन कुंड का स्थल है यहाँ जो दिखाया है, शांति से आके मतलब पीसफुल प्लेस है, यहाँ पे आप आके बैठ बैठ सकते हैं शाम के टाइम, मतलब फैमिली के साथ और ऐसे दोस्तों के साथ आके यहाँ पे टाइम पास करते हैं। अभी छठ होने के नाते यहाँ भी, जैसे गोरखनाथ में मैंने दिखाया आप लोग को कि ये यहाँ भी सरोवर के पास पूरा छठ का वो बना हुआ है अंदर, यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए, छठ पूजा करने के लिए सरोवर में शाम के टाइम आके यहाँ पर अच्छा। तो ये गार्डन स्थल है पूरा, यहाँ गार्डन है इधर इस साइड। और जब ये मानसरोवर पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, ये सारा परिसर जो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था, जो मतलब योगी जी मुख्यमंत्री ने बने थे उससे पहले का, तो ये हनुमान जी का था पहले से ही, और ये पेड़ था बस यही था यहाँ पे। और अब तो पूरा अच्छे से बन गया है यहाँ पे, हनुमान जी का पूरा हो गया, और सारे ये टेंपल बन गए हैं, शंकर जी के, दुर्गा जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, काफ़ी अच्छे। बस पहले हनुमान जी का हुआ करता था और एक पेड़ हुआ करता था, काफ़ी अच्छा ये अब बन गया है बैठने उठने के लिए, गार्डन टाइप, मतलब इस एरिया में टूरिस्ट प्लेस टाइप का हो गया, मतलब यहाँ पर आपके शाम को आके टाइम पास कर सकते। तो यहाँ भी इस टेंपल पे बस इतना ही था घूमने के लिए, और ये सब पार्क वार्क ही है, मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, ये इवनिंग टाइम में बैठने उड़ने के लिए, या जो आपके पेरेंट्स हैं ये वॉकिंग वॉकिंग करने के लिए, काफ़ी अच्छा प्लेस है मॉर्निंग और इवनिंग में, बस इतना ही था यहाँ पे। अब कुछ और होता है तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं घर की तरफ और वीडियो कहीं बंद करेंगे अभी नहीं, और कुछ होता है दिखाते हैं फिर उसके बाद। ये मानसरोवर का पीछे वाला गेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पार्किंग वार्किंग कर सकते हैं आप लोग, ये लोग रहते हैं यहाँ पे जो यहाँ का केयर वेयर करते हैं। और ये पूरा ये गार्डन टाइप का है, गार्डन एरिया पूरा ही अच्छे से बना हुआ है, ये पूरा गार्डन का एरिया, यहाँ पे शाम के टाइम पे खेल सकते हैं, पार्क टाइप का भी बना हुआ है मंदिर के पास ही, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये प्लेस। देखिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, और एक यहाँ पे और बना है, यहीं बैठ सकते हैं, ये तालाब की तरफ जस्ट किनारे ही है सारा। Oh, oh, oh.
तो एंड करते हैं ब्लॉग यहीं पे, आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और फिर दूसरे ब्लॉग का स्टार्टिंग करेंगे, कुछ और होता है दिखाने के लिए कहीं और पे दिखाएंगे। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।